अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम पर कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ अनदर टेक्निक यूज फॉर इफेक्टिव बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। तो इससे पहले कौन सी हमने टेक्निक देखी थी, वो थी मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके अंदर हमने देखा था कि बैंडविड्थ को बड़े अच्छे तरीके से हमने यूटिलाइज किया था, ठीक है। लेकिन वो एक बड़ा अच्छा तरीका था, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन प्रायोरिटी नहीं होती। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के अलावा भी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? वो है सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा इज प्रायोरिटी ओवर द बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, यानी सिक्योरिटी और प्राइवेसी है, ठीक है, उसकी भी एक बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो अगर आप क्या फ़ायदा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का कि जब आपका डेटा सिक्योर या एक्यूरेट ना रहे, ठीक है, तो उसका मकसद ही खत्म हो जाता है। तो जैसा कि वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा ब्रीच का चांस होता है, क्योंकि वायरलेस होता है वो किसी कहीं से भी कोई रिसीव कर सकता है, किसी वायरलेस एंटीना से या किसी चीज़ से, वायरलेस नेटवर्क की वजह से। तो एक यानी एक चांस रहता ही है कि कुछ हो जाए, जिस तरह स्पेशली वॉकी टॉकी यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर उस चैनल पर कोई बंदा यूज़ कर रहा हो, ठीक है, तो वो उस डेटा को कैप्चर कर सकता है। तो उसका हल क्या है? टू इंश्योर दिस सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी टेक्निक यूज फॉर द पर्पज इज कॉल्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम, यानी जो हमें सिक्योरिटी या डेटा की एक्यूरेसी चाहिए उसके लिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है? इन स्प्रेड स्पेक्ट्रम रिडंडेंसी इज एडेड टू इनपुट सिग्नल एंड सिग्नल स्पेक्ट्रम इज स्प्रेड। तो इसमें इस तरह होता है कि डेटा के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी जाती हैं और उसके अंदर उसका जो सिग्नल स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, यानी सिग्नल का चैनल्स हैं, उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा क्लेवर या एक चलाक तरीका है जिसकी मदद से डेटा को सेंड किया जाता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम से, ठीक है। और इस तरीके से अपना ना सिर्फ मैसेज को सीक्रेट रखा जाता है बल्कि इसको रिलायबल रखा जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें इस तरह होता है कि एक बहुत सारे एक चैनल पर बात करने से, जिस तरह रेडियो के एक चैनल होता है, एक चैनल पर बात करने के बजाय ज़्यादा सारे चैनल पर बात की जाती है, ठीक है, और उन चैनल्स को रैपिडली स्विच किया जाता है, जैसे चैनल 1, 2, 3, यानी फौरन फौरन क्विकली क्विकली स्विच किया जाता है, ठीक है। तो जो रिसीवर होता है उसको हमारा पैटर्न पता होता है, ठीक है, सिर्फ उसी पता होता है। तो इस तरीके से उसे पता होता है कि फौरन फौरन किस तरह स्विच करना है, तो वो उसकी डिवाइस कर देती है। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम इसका किस तरह इंक्रीज हो गया कि पहले एक चैनल पर बात कर रहे थे, इसमें काफ़ी सारे हम चैनल्स पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, इस टेक्निक के? तो इसके बेनिफिट्स हैं, एक सिक्योरिटी है, ठीक है, और दूसरा रिलायबिलिटी है। सिक्योरिटी ये है कि चूँकि फ़ौरन फ़ौरन चैनल चेंज हो रहे हैं और जो बंदा घात लगा कर बैठा है या जो ब्रीच सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, तो उसको इतना जल्दी नहीं पता चल सकता या नहीं पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम कौन से चैनल पर जा रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता है और रिसीवर यानी हमारे फ्रेंड को पता है कि हम किस तरह से चैनल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा रिलायबिलिटी, ठीक है, सपोज हमारे किसी भी चैनल के ऊपर कोई नॉइस है या इंटरफेरेंस है, यानी कोई ब्रीच वगैरह हो गया, ठीक है, या कुछ हम नज़दीक से टॉक कर रहे हैं, तो हम क्विकली दूसरे चैनल पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथली हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रिलायबल है। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम की दो टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सो व्हाट आर टू टेक्निक्स? फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम FHSS, और सेकंड वन इज डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो ये दूसरी होती है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसे हम DSSS या DSSS कहते हैं। तो वन बाय वन दोनों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसीज आर मॉड्यूलेटेड बाय सोर्स सिग्नल, यानी एक बजाय बहुत सारी हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी होती हैं जो इनको सोर्स सिग्नल मॉड्यूलेट करता है। एट वन मोमेंट वन कैरियर फ्रिक्वेंसी इज मॉड्यूलेटेड एंड सेकंड मोमेंट अनदर कैरियर फ्रिक्वेंसी इज मॉड्यूलेटेड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टेक्निक के अंदर हम फौरन फौरन अपने जो चैनल हैं उनको स्विच करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक वॉकी टॉकी सेट है, ठीक है, जिसके तीन चैनल हैं 1, 2, 3, ठीक है। FHSS टेक्निक से हम और हमारे जो दोस्त हैं, ठीक है, या हमारा जो फ्रेंड है, ठीक है, जो कि वाकी टाकी दूसरी वाकी टाकी पर है, हम एक सीक्रेट पैटर्न बनाते हैं। हम कहते हैं यार हम चैनल इस तरह से फौरन फौरन चेंज करेंगे, ठीक है। सपोज हम पहले चैनल पर क्विक स्टार्ट करते हैं, फौरन दूसरे पर, फिर तीसरे पर जंप, फिर पहले पर, और इस तरह से हम एक सीक्रेट पैटर्न बना देते हैं, ठीक है। तो हॉपिंग इतनी फास्ट होती है इन चैनल्स के दरमियान, यानी चेंजिंग, ठीक है,
कि ये एक सीक्रेट सीक्रेट डांस रूटीन नज़र आ रही होती है, ठीक है, जो हमें पता होती है और हमारे दोस्त को पता होती है। तो जो दूसरे लोग हैं जिन्हें हमारी डांस का नहीं पता या जो उस चैनल को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी कन्वर्सेशन को नहीं समझेंगे बल्कि इग्नोर समझेंगे, समझेंगे शायद हमारी कोई लैग हो रही है, ठीक है, या कोई इशू चाह रहा है, हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लेकिन हम आपस में चैनल चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी फ्रिक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये बड़ी यूज़फुल है हमारी कन्वर्सेशन को प्राइवेट रखने के लिए और दूसरों के इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप पर, यानी वो है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, DSSS। इन दिस टेक्निक बैंडविड्थ इज आल्सो एक्सपेंडेड बाय टेक्निक इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो इसमें भी बैंडविड्थ यानी स्पेक्ट्रम इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी टेक्निक डिफरेंट है। एयर स्प्रेडिंग कोड आर यूजली सीक्रेट कोड इज यूज आई दैट इज रिप्लेसिंग वन बिट विद एन बिट्स, यानी इसमें सीक्रेट कोड से हम बिट्स को किसी कोड से चेंज कर देते हैं, ठीक है, सीक्रेट कोड से चेंज कर देते हैं, यानी एक बिट के साथ बहुत सारी बिट्स अनेक्स कर देते हैं। सीक्रेट कोड इज आल्सो नोन एज चिप एंड जनरेटेड बाय चिप जनरेटर। तो ये सीक्रेट कोड चिप से को चिप कहते हैं, और ये कैसे बनाया जाता है ये हम कम्युनिकेशन में खुद तो नहीं करते बल्कि चिप जनरेटर करता है। सपोज हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, चिप जनरेटर के पास जाता है तो वो उसके साथ सीक्रेट कोड को अनेक्स कर देता है या चिप को अनेक्स कर देता है, मॉड्यूलेट करके स्प्रेड सिग्नल को भेज देता है आगे की तरफ। DSS ऐसे है कि हम अपने दोस्त के साथ कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एक स्पेशल सीक्रेट कोड होता है जिसके जिसको हम यूज़ करके आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सपोज हम मैंने किसी को मैसेज सेंड करना है तो मैं अपने मैसेज के साथ कुछ कोड मिक्स कर दूंगा, ठीक है। सपोज ये ऐसी है जैसे मैं अपना एक मैसेज किसी बॉक्स के अंदर रखूँ और उसकी चाबी मेरे दोस्त के पास हो और मेरे पास हो, ठीक है, तो वो उसको खोल ले, ठीक है। तो इसी तरह से हम कोड सीक्रेट कोड अनेक्स कर देते हैं, तो हमारा जब फ्रेंड उस कोड को रिसीव करता है या मिक्स्ड अप मैसेज को रिसीव करता है तो वो उसको डीकोड कर लेता है, या इन सिंपल हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा लॉक बॉक्स है उसको अपने सीक्रेट कोड या अपनी की से खोल लेता है और ओरिजिनल मैसेज पढ़ लेता है। यानी इस तरह से हमारी कोडिंग डीकोडिंग दोनों साइड पर होती है, ठीक है। तो ये इतना इनक्रिप्टेड होता है कि अमूमन दूसरे लोग हमारा मैसेज शायद रिसीव भी कर लें, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि उनके पास सीक्रेट सीक्रेट कोड नहीं है या उन्हें डिकोड करना नहीं आता तो ये उनके लिए एक कचरा ही है, ठीक है। तो DSS DSSS हमारे मैसेज को सिक्योर रखने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई नॉइस या इंटरफेरेंस है तो हमारा जो मैसेज है वो फिर भी इंटैक्ट पहुँचे। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि DSSS या DSSS जो है वो ऐसी है जैसे हम किसी कोडिंग में कोड में अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं। हमारे दोस्त हमारे दरमियान हम सब का एक सीक्रेट कोड होता है, ठीक है, तो उसकी मदद से हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था DSS या ड्रग सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम पर, जिसके अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से हम अपनी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, बैंडविड्थ तो यूटिलाइज करते हैं बल्कि उसके साथ साथ हम उनका स्पेक्ट्रम भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम उसके अंदर सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को भी मेंटेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरफ बात करेंगे फिजिकल लेयर के एक और कंसेप्ट यानी ट्रांसमिशन वीडियो पर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।